आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की जो है वो सेकंड सर्विस करवाने। भाई साहब क्रैश हो गया छोटा सा। मैम सर्विस करानी थी, सर्विस करानी थी। एयर फिल्टर जो है ना, मतलब कितने कितने किलोमीटर बाद चेंज होता है? मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है इसकी, ऑलमोस्ट पूरा चोक हो चुका है। ये चेक करो, बिल्कुल काला हो चुका है। और दूसरी साइड चेक करो इसकी। एंड ये चेक करो गाइस, ये होता है फ्यूल फिल्टर। एंड इसके जो पूरा सर्विस के चार्जेस जो मुझे पड़े हैं लगभग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज सुबह सुबह भाई मैं निकल चुका हूँ। आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की जो है वो सेकंड सर्विस करवाने। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, क्या क्या मतलब सेकंड सर्विस में होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने सर्विस कॉस्ट लगता है, कितने सर्विस चार्जेस लगते हैं। और ये एक बार चेक कर लो भाई अपनी बाइक और पीछे से भाई कितनी सही लगती है, कितनी सेक्सी लगती है, ये चेक करो। और ये अपनी टेल टीडी, अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो भाई आई बटन पे आ रही होगी, जाके क्लिक करके देख लो कैसे कैसे भाई इसको इंस्टॉल किया है। और ये नीचे फ्रेम स्लाइडर आप देख रहे हो। एंड एक बार मैं आपको चेक करवा दूं भाई कितने किलोमीटर हमारी बाइक चली है। ये चेक करो, 8200 चल पड़ी है अभी। जब तक मैं पहुँचूंगा सर्विस सेंटर तो ये 8500 हो जाएगी। और इसकी सेकेंड सर्विस जो है 8500 किलोमीटर के ऊपर होती है। सो लेट्स गो भाई लोग, अब जो है भाई अपनी बाइक को एक बार कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। जय श्री राम। एंड भाई फ्यूल भी इसमें बहुत कम है, एक ही डंडा बचा है, वो भी मैं जाते जाते अभी डलवा दूंगा इसमें। और लेट्स गो भाई, आज बताते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, देते हैं सारी डिटेल में कि भाई क्या क्या सर्विस में होगा इसकी पूरी सेकंड सर्विस में। और वैसे तो इसको भाई 5 महीने के अंदर अंदर मतलब जो दूसरी सर्विस करवानी पड़ती है, बट आई थिंक इसको 6 महीने हो चुके हैं और 7वां लग चुका है। बट देखते हैं भाई उसमें सर्विस चार्ज लगते हैं नहीं लगते हैं, आई डोंट नो क्या होगा। अब बाइक जो अब अपनी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम गण गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वंदनात् मृत्युर्मुक्षं महामृतात्। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों चलते हैं, अब करते हैं भाई आज अपनी राइड को शुरू। खड्डे क्या हाल है भाई अपने सब्सक्राइबर? सुबह लोग अभी एंटर हो चुका हूँ मैं चंडीगढ़ में। भाई साहब क्रैश हो गया छोटा सा सुबह सुबह। भाई ये चीज़ें ना मेरे को पता नहीं कितनी बार देखने को मिलती हैं रोड पे, जैसे ही भाई जब भी मैं निकलता हूँ तो क्रैश आ रहा, मतलब मिलता ही मिलता है कोई ना कोई एक आधा क्रैश देखने को। एक तो मिनिमम है बट एक से ज़्यादा ही मिलते हैं भाई देखने को। अभी मैं जाऊँगा रास्ते में, देखना रास्ते में कितने सारे क्रैश आपको दिखाऊँगा। तो गाइस अब मैं पहुंच चुका हूं भाई पेट्रोल पंप पे। सबसे पहले भाई इसमें पेट्रोल भरवाते हैं। फुल करता हूं बस। भाई साहब अभी ना गंदे वाला ही टायर घुमा पीछे वाला, बहुत ही खतरनाक तरीके से। सो गाइस अभी पहुंच चुका हूं भाई मैं सोलन। एंड भाई सोलन में करवा रहा हूं मैं सर्विस। भाई मैं पहले बताना भूल गया था कि मैं सोलन में सर्विस करवा रहा हूं। करवाने का रीज़न ये है कि भाई नीचे जो है वीडियो बनाने नहीं देते। एक बार मैं गया था वीडियो बनाने बट बनाने नहीं दी, उन्होंने कैमरा ऑफ करवा दिया। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आया हूँ भाई, और ताकि मैं हर एक चीज़ जो भी डिटेल में बता पाऊँ आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो भाई लोग अब भाई पहुँचने ही वाला हूँ मैं शोरूम। ये रहा भाई सामने शोरूम। और अनिरुद्ध भाई बढ़िया मैम, सर्विस करानी थी, सर्विस करानी थी, लग जाएगा अभी नंबर? ठीक है लगा दो। ये लो भाई वो रही उधर।
देखो भाई, सर्विस के लिए सबसे पहले जो है ना, सारा जो भी मतलब ऑयल होता है उसको ड्रेन करते हैं। ये जो मतलब पहले जितने भी ऑयल होता है, अभी देखो भाई बिल्कुल काला हो चुका है ये। और ये सेकंड सर्विस है, तो सेकंड सर्विस पे जो है इसका एयर फिल्टर जो है वो भी चेंज होता है। एयर फिल्टर जो है ना, मतलब कितने कितने किलोमीटर बाद चेंज होता है? हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। और भाई यहाँ पे जो है इसका एयर फिल्टर होता है, और इसको यहाँ से निकाल के चेंज कर देते हैं। ये हर सर्विस टू सर्विस होता है। और अगर आपको बीच में चेंज करवाना है, लग रहा है कि दिक्कत कर रहा है या मतलब पिकअप नहीं ले रही है गाड़ी, तो आप बीच में भी चेंज करा सकते हैं। दिखाना, ये देख लो गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है इसकी, ऑलमोस्ट पूरा चोक हो चुका है ये। अभी लाइट में दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करो, बिल्कुल काला हो चुका है। और दूसरी साइड चेक करो इसकी, ये क्या चीज़ होती है भाई? फ्यूल फिल्टर। अच्छा, ये भी चेंज होता है? मतलब अब तो इसके बाद तो हर सर्विस पे होगा। और कूलेंट वगैरह जब कम होता भी होता है या? कूलेंट वगैरह भी कम होगा, टॉप अप हो जाएगा, बाकी 18-20,000 के बाद इसका प्लस होता है ना रेगुलेटर। हाँ, तब नया चेंज होता है कूलेंट। ये होता है ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर। हाँ, फिल्टर ही नीचे रखा है। ये इंजन ऑयल फिल्टर है, ठीक है। एंड ये चेक करो गाइस, ये होता है फ्यूल फिल्टर। और भाई ये जो है हर सर्विस टू सर्विस चेंज होता है, ये चेक कर लो, क्योंकि इसके अंदर जितना भी कचरा वगैरह वो सारा जमा हो जाता है फ्यूल का, तो ये टाइम टू टाइम चेंज करना ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है नया फ्यूल फिल्टर जो है वो डाल चुका है। एंड गाइस ये चेक करो, आप जो है इसमें इंजन ऑयल डालते हैं और ये मोटिल का इसमें डाल रहे हैं। अभी जो है सर्विस जो है एकदम हो चुकी है अपनी बाइक की। अभी मैं कोई खाली सी जगह देखता हूँ, आराम से बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या सर्विस में होता है और कितने रुपए उसके चार्जेस लगे हैं सारे। अभी पहुँच चुका हूँ मैं भाई वॉशिंग स्टेशन। देखिए, मैंने वहाँ पे जो है वो वॉशिंग इसलिए नहीं करवाई क्योंकि भाई रास्ते में फिर से गंदी होना था, तो कोई फ़ायदा नहीं था करवा के। वो रही अपनी बाइक, अभी होगी इसकी वॉशिंग। एंड भाई वॉशिंग करा के बढ़िया से फिर मिलते हैं आपको रूम पे। अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई घर, वॉशिंग वगैरह हो चुकी है बाइक, आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल चमक रही है भाई अपनी बाइक। और सर्विस के बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मतलब सही हो गई है पहले के मुकाबले। मुझे जो है ना इसमें थोड़ा डीले लगता था कि जब भी मैं इसको मतलब पिकअप मतलब थोड़ा डीले हो चुका था। और मुझे जो लगता है रीज़न कि वो आई थिंक एयर फिल्टर की वजह से जो मुझे लग रही थी कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चोक हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। तो एक बार मैं सब कुछ आपके साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई क्या क्या जो है सेकेंड सर्विस में आपके होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सबसे पहले इसमें जो हमारे सबसे पहले जो है गाइज, इसमें इंजन ऑयल डला, जो मोटिल का डला 20W50 ग्रेड का वो डला। एंड इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट आपको 1200 के करीब पड़ जाएगा। एंड उसके बाद ऑयल फिल्टर वो लगभग 80 रुपये का हमारे को पड़ा। और ओ रिंग आई थिंक ये 6-7 रुपये की पड़ी, जो बाशल जो वो लगती है नीचे मतलब ऑयल फिल्टर के साथ वो वाली पड़ी। एंड उसके बाद जो है ये पड़ा हमारा फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर क्या होता है गाइज, फर्स्ट सर्विस में जो वो चेंज नहीं होता है, सेकेंड सर्विस के बाद हर सर्विस पे जो है वो चेंज होता है। मैंने मतलब सारी चीज़ें जो है डिस्कस करी भाई के साथ जिन्होंने सर्विस करी। कुछ यहाँ पे गाइज, यहाँ पे होता है फ्यूल फिल्टर हमारा, तो इस वाले पैनल को खोल के वो निकलता है, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि फ्यूल फिल्टर जो है वो चेंज होता है हर 6-7 हज़ार किलोमीटर बाद, ताकि जो वो जो है फ्यूल को जो है जो भी हमारा मतलब पेट्रोल होता है उसको जो है वो क्लीन करके मतलब इंजन के अंदर सप्लाई करता है कि कुछ भी कचरा वगैरह हो तो वो उसके अंदर रुक जाता है। एंड एक और चीज़ उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि उसके बाद एयर फिल्टर जला, जो कि वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से पिकअप में जो है इशू आ रहा था और स्टार्ट होने में भी इशू आ रहा था जहाँ तक मुझे लगता है। अभी मैं इसको सुबह स्टार्ट करूँगा, फिर से वही इशू आता है, तो भाई देखता हूँ एक बार जो है इसका थ्रॉटल बॉडी जो है वो भी जो है इसकी क्लीन करवा दूंगा, ताकि जो है और ज़्यादा मतलब कहीं दिक्कत आ रही हो तो उसकी कहीं उसकी वजह से दिक्कत ना आ रही हो। एयर फिल्टर के बाद आया स्पार्क प्लग। एयर फिल्टर का प्राइस जो है मतलब 260 के करीब आप मान के चलो वो है, मतलब सस्ता है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर 5,000 किलोमीटर बाद जो है एयर फिल्टर चेंज करवा दो, ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है एंड परफॉर्मेंस भी जो है वो उससे अच्छी
रहेगी हमारे इंजन की। एंड उसके बाद जो है एक हमारा आया स्पार्क प्लग, वो भी 260 के करीब पड़ता है। स्पार्क प्लग हमारा यहाँ पे लगता है, तो वो भी मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो भी हर सर्विस पे जो आपका स्पार्क प्लग जो है वो चेंज होगा। ये 6-7 मतलब चीज़ें हैं, ये मतलब लगभग 6 चीज़ें होगी, ये आपकी हर सर्विस में चेंज होगी। बाकी अब रिक्वायर्ड करता है कि आपकी कहीं बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो हर सर्विस में चेक होके वो चीज़ चेंज होगी। एंड इसके जो पूरा सर्विस के चार्जेस जो मुझे पड़े हैं लगभग 2152 रुपये हुए हैं पूरे, बट 2200 के करीब आप मान के चलो मोटा मोटा। अब हर एजेंसी पे मतलब हर सर्विस पे जो है वो अलग अलग डिपेंड करता है भाई, ये सारा कुछ सारा सर्विस स्टेशन का। एंड लेबर चार्जेस अभी फ्री पड़ी है क्योंकि इसकी फर्स्ट जो है 3 सर्विस जो है फ्री मिलती हैं, ये सब कुछ हमारा सेकेंड सर्विस में होता है। सो गाइज ए टू जेड मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करी, क्या क्या गाइज हमारी सेकेंड सर्विस में होता है, क्या क्या चीज़ें सारी चेंज होती हैं अपनी ड्यूक में। और आई थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि कैसे कैसे भाई क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे सेकंड सर्विस जो है वो होती है हमारी, क्या हमारे सर्विस चार्जेस रहते हैं इसमें। लेट मी नो गाइस ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगेगा। और हेल्पफुल लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड राइड सेफ, बाय बाय गाइस।